ये तुम लोग सामने चेक कर सकते हो, मोनोमेंट आ गया। मोनोमेंट में भी जाने का अपना ही मजा है यार इस मौसम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज का कुछ सीन जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त है, और क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है इस वजह से मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने वाला हूँ मैं, और ये आज का मौसम अच्छा है तो आज जो है ना मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ लेने सेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को साथ घुमाता हूँ, इस्लामाबाद की सैर कराऊँगा आप सबको, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर का, कितना ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी का मौसम कितना अच्छा हुआ है। ये देखो यार कितनी ज़रा ठंडी हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के यार। अच्छा मौसम बहुत अच्छा हुआ है। नीचे कूड़े वाला आया जी भाई कूड़ा लेने के लिए, तो मैं अब जाने लगा हूँ बाहर। मैं सोचा इस्लामाबाद की सैर करते हैं, तो आप सबको तो मैं इस्लामाबाद की सैर कराने वाला हूँ, तो आपने मेरे साथ ही रहना। चलो भाई चलते हैं, स्टार्ट करें। और आज जो है ना आपको भाई आपका इस्लामाबाद की सैर कराएगा, वो भी अकेले अकेले, क्योंकि अकेले ही करनी पड़ेगी, कोई साथ तो आया नहीं है। अगर आप लोगों ने आना तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो आपका भाई जा रहा है अपने के लिए, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है और ये सीपीयू वाला आ गया। निकल पहली फुर्सत में निकल यार, व्यू चेक करो कितना जबरदस्त है इस्लामाबाद का, कसम से मजा आ जाता है यार। पिंडी में रहने का यही तो फायदा है कि एक रोड क्रॉस करो साथ इस्लामाबाद में, साथ ही देखो झंडे लगे हुए हैं। 14 अगस्त भी आने वाली है, 14 अगस्त का भी इंशाल्लाह ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त करके बनाएंगे हम लोग। तो आपका भाई देखो जा रहा है, मौसम चेक करो यार इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये तुम देख सकते हो यार। तुम्हारा भाई बाइक चला रहा है अकेले अकेले, तो यहाँ पर शोर ज़्यादा है इसकी आवाज़ कम भी हो सकती है, लेकिन जो है ना आपका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है हाईवे पर, तो इसलिए हाईवे पर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है और साथ ब्लॉग बनाना उससे भी मुश्किल है। जो है ना मैं रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। मरना है क्या भोसड़ी के, को डर नहीं लगता? तो आपका भाई जा रहा है अभी यार इस्लामाबाद घूमने के लिए, तो मैं जो है ना फिर मिलता हूँ आपसे आगे जा के, क्योंकि यहाँ पे जरा रश है, तो रश में जरा ब्लॉक करना मुश्किल है। झंडे चेक करो यार 14 अगस्त के, आए 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 यार 14 अगस्त के झंडे लगे हुए इतने ज़बरदस्त। आगे जाके तो व्यू दिखाऊंगा कितना ज़बरदस्त व्यू आएगा, इस्लामाबाद का व्यू वैसे ही बड़ा जबरदस्त है। ये चेक करो यार किस तरह झंडे उड़े हैं और हवा ठंडी ठंडी जा रही है इस्लामाबाद में। और किसी ने इंजॉय कर लें तो वो भी मेरे साथ आ सकता है। आपका भाई इस टाइम जा रहा है जी अपारा, तो सबको घुमाएंगे आपको भी अपारे में। आज हमारा भी दिल कर रहा है हम भी झंडा लेके मोटरसाइकिल पे एक लगा ले छोटा सा, हमारे तो बाइक पे एक छोटा सा झंडा लग सकता है। चेक करो यार किस तरह काले बादल आए हुए हैं, और फैसल मस्जिद का मीनार भी नज़र आ रहा है मेरे हाथ में। ये है जी इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? चेक करो यार काले बादल आए हैं इतने ज़बरदस्त, मरगला की पहाड़ियाँ भी साफ नज़र आ रही है यार। थोड़ा सा टाइम होता तो फैजल मस्जिद जा कर चक्कर लगा दें हम, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हम फैजल मस्जिद नहीं जा सकते। अभी हम जाएंगे जी अपारा, क्योंकि अपारा में हमने कुछ चीज़ें लेनी। तो आपका भाई जो है जा रहा है, ये रोड सही है, सन्नाटे वाली सुकून है यार इस रोड पर, इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि ठंडी हवा लग रही है। किसी ने आना तो आज ही मेरे साथ महसूस करें। तुम लोग सामने चेक कर सकते हो मोनूमेंट आ गया, मोनोमेंट में भी जाने का अपना ही मज़ा है यार इस मौसम में। ये चेक करो यार क्या व्यू है सामने, वो फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, कितना ज़बरदस्त व्यू है यार कसम से। और नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आपका भाई ऊपर पुल पे खड़ा हुआ है, और सामने सेंट टॉरस की बिल्डिंग नज़र आ रही है जी भाई, सही ज़बरदस्त व्यू बना हुआ है। आपका भाई खड़ा हुआ है ऊपर और व्लॉगिंग कर रहा है, ये तुम लोग देख सकते हो यार कितना ज़बरदस्त व्यू है, कितना मज़े का व्यू है यार कसम से, कितना मज़े का व्यू तो कहीं भी हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद की यही तो खूबसूरती है यार, इतना मज़ा आ गया ना जब बारिशें होती है तो इतना फिट मौसम होता है। ये देखो लोग अपनी पिक्चर शिक्चर बना रहे हैं, हर बंदा अपने चक्करों में लगा हुआ, ये लोग खड़े हैं साथ सेल्फियां बना रहे हैं, और आपका भाई जो है ना ऐसे खड़ा होकर जो है ना व्लॉगिंग कर रहा है। व्लॉगिंग करने का भी मज़ा यार कसम से, बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम, इतना फिट व्यू है ना ये।
तुम लोग होते यहाँ पे तुम्हें दिखाता, तुम लोग चलो देख लेना, एंजॉय करना है ऐसे ही देख देखे, कोई बात नहीं। यार आपका भाई जो है ना अभी आ चुका है गोश्त की दुकान पे, गोश्त वोश्त लेने के लिए। जो है साहब आप कैसे हैं? छे ठीक है आपकी? जो है साहब हमें जो है ना आज गोश्त चाहिए। कितना चाहिए मेरी जान? चाहिए थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कीमत चाहिए छोटे गोश्त का। अच्छा। और थोड़ा गोश्त चाहिए छोटे गोश्त। तो अभी जो यार हम दुकान पे आए, ये वैस भाई बैठ के देख रहे हो, वैस सब कैसे हैं? ठीक है आप वैस? और ये है जी हमारे अमरोज साहब है जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, ये भी बड़े अच्छे कारीगर हैं। और आज फादी भाई को जो है ना इधर ही दुकान में बैठाया, उन्होंने कहा दुकान में बैठो, घर बैठ बैठ के बहुत वेलियां तुमने मार ली, इसलिए फादी भाई को दुकान में बैठाया आज। मैं भी यार आया हूँ इधर अभी गोश्त लेने के लिए। यार मैं अभी आया हूँ पारा मार्केट में मुर्गी वाली दुकान में मुर्गी लेने के लिए। ये हमारे भाई हैं, इनके साथ मुर्गी लेनी है मैंने, बड़े ज़बरदस्त किस्म। तो सामने राजा साजिद साहब बैठे हुए हैं, फिर सामने जो है ना नईम मुल्तानी बैठा हुआ। नईम मुल्तानी कैसे हो? नईम मुल्तानी बैठा हुआ भाई। तो अभी हम जो है ना गोश्त वोश्त लेने आए हैं यार यहाँ पे पारा में। तो अभी गोश्त वोश्त ले के तो फिर जाएंगे घर, और देखेंगे रास्ते में कोई और नया काम मिलेगा तो नया काम कर लेंगे, वरना ये यार कुकड़ चेक करो देसी मुर्गे। अगर किसी ने लेने हैं तो कमेंट करना है, मुझे बताना, मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। 12 में दो आप आके यहाँ से जो है ना देसी मुर्गे भी ले सकते हैं। और ये देसी मुर्गों वाली बड़ी अच्छी ज़बरदस्त दुकान है 12 मार्केट में, साजिद चिकन शॉप यही है जी, गोसिया फूड के सामने साजिद चिकन शॉप। यहाँ पे आपको हर किस्म का देसी शेवर मुर्गा मिलेगा भाई जान। हमने ना गोश्त वोश्त ले लिया है, तो अब ये कीमा तैयार हो रहा है। ये माशाल्लाह जुवेद भाई हमारे जो कीमा तैयार कर रहे हैं, हाथ का कीमा तैयार हो रहा है, क्योंकि मशीन का कीमा बहुत बारीक होता है, हाथ वाला सही होता है, थोड़ा मोटा मोटा खाया जाता है। हाथ वाले कीमे कोफ्ते, ये देखें जुवेद भाई जो है ना बना रहे हैं, बड़े अच्छे कारीगर हैं ये। ये हमारी अपनी शॉप है यार, मीट इन अपारा मार्केट में। अच्छा किसी को भी गोश्त चाहिए तो कमेंट में लिखे, नंबर में बता दूंगा। दुकान पे अच्छे कारीगर है, यहाँ पे साफ सुथरा गोश्त है आपको मिलेगा, यहाँ हर चीज यहाँ मिलेगी। यहाँ पे फाज क्रेशी आपको बैठा हुआ मिलेगा, वैसे घर में लेटा हुआ मिलता है, लेकिन जब दुकान पे हो तो फिर यहाँ बैठा हुआ मिलेगा आपको। तो आप ये गोश्त लेके चलते हैं यार घर, क्योंकि आज बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि अब कीमा लेके आए बाबा, तो पकाइए दिखाइए। ये तैयार हो रहा है जी कीमा, काफी हद तक तैयार हो गया वैसे। One hour later. तो यार दुकान से फ्री ही होने के बाद, वाज की चीजें लेने के बाद आपका भाई घर आ गया था। घर आने के बाद अब बैठ गए हैं, थक थूक गए हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था, तो अब खाने शाने का टाइम होने वाला है। लेकिन खाने में जो है ना आज फिर से दोबारा बारबेक्यू शुरू होने वाला है हमारे घर। बस जो है ना बारबेक्यू अब पूरा साल चलता रहेगा, क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना गोश्त तो हमने इतना कटा छटा कोई नहीं किया था, लेकिन बाहर से जो मिले हैं ना लोगों को गोश्त कुर्बानी के, उसी का बतिके शिके लगाई जा रहे हैं। और अपनी दुकान से भी गोश्त लेके आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, आपको बताया हमारी अपनी माशाल्लाह गोश्त की दुकान है। तो दुकान से ही रोज़ या दूसरे दिन या हफ्ते में एक दो दफ़ा ले आते हैं, तो बारबेक्यू के सीन ऑन कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो गया काफ़ी, तो अभी मैं बैठा हूँ वाज के साथ खेल छेल के, तो अभी बारबेक्यू होने वाला शुरू, तो फिर अब बारबेक्यू खाएँगे, क्योंकि खाने में आज बारबेक्यू ही खाएँगे और कुछ नहीं खाएँगे, दबा के खाएँगे। चलते हैं देखते हैं बारबेक्यू शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जी आज सनी भाई भी हमारे घर हुए हैं आज बारबेक्यू के सीन में, ये अंश क्रेशी है, और ये है जी मेरे साथ छोटा डॉन। छोटा डॉन भी आ जाएगा, इस बंदे ने मुझे अभी तक सेल्फी नहीं दी, जब ये बन जाएगा ना यूट्यूबर पता, मैंने तब ही ले, ये तुम व्लॉग में आ गए ना, तुमसे सेल्फी की बात कर, ये व्लॉग में सेल्फी भाई, मैं सेल्फी की बात कर, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम इसमें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो यार ये राय जी देखे आज फिर ऑन करके बैठे हैं सीन, राय साहब सीन ऑन है, राय साहब सीन ऑन अगर बैठे हैं तो अभी हम शुरू करने वाले हैं यार खाने पीने का सीन। ये देखा है शवेद भी ब्लॉग कर रहा है, इसको भी आदत पड़ गई ब्लॉग करने की, ये भी ब्लॉग बना के। अब यार ये जो है सीखें बन के आ चुकी हैं, ये देखें हाथ देखें लोगों को कितना बीज में डाल रहे हैं। हम जो है ना चेक करेंगे चक्की, क्योंकि हमें चक्की बहुत पसंद है। मजेदार। ये जो है ना मैक नहीं बैठती बीच में, बार बार अपना व्लॉग लेके आ जाती है, टेढ़े मोबाइल से व्लॉग बना रही है, व्लॉग भी नहीं बनाना आ रहा इसको। आज कितना लोग पड़े हुए हैं बोटियों को, आज माल थोड़ा है और बंदे ज्यादा हैं, और इसलिए जो है ना आज
काम तेज हो रहा है बहुत, बंदे ज्यादा है, ऐसे छिको छिक काम चल रहा है, आसरा टेस्ट है। अभी इसके पास रोटी जो है ना बाहर से सनी भाई खिलाएंगे आज, मुझे लग रहा नहीं। माल थोड़ा बहुत बैठा हुआ देखो, फाज पेजी भी बैठा हुआ, चौधरी इब्राहिम साहब भी बैठे हुए, डक्की भाई वाली पेप्सी मंगाना, सनी बट भी कुछ कह रहे हैं डक्की भाई वाली पेप्सी, खीरी ले आओ जी, ये खीरी है, खीरी निकालें जी भाई। A few moments later. तो यार टिक्का शिक्का पार्टी करने के बाद अब फ्री हो गए, टिक्का शिक्का खा लिया था आज, फंक्शन ज्यादा बड़ा नहीं था, स्लो थोड़ा खा गया था क्योंकि आज सामान कम था टिक्के का, तो जो है ना टिक्का शिक्का फ्री हो गए खा गए, तो अब जो है ना मैं खाना खाने लगा हूँ, थोड़ा मैंने खाना भी ट्राई करना चाहिए, खाने में वही सालन जो है ना रोटी और साथ जो है ना ये कबाबों की कढ़ाई, तो ये थोड़ा सा सालन कल का पड़ा हुआ था, मैंने कहा जी ट्राई करते हैं, बड़ा मज़े का था कल जो हमने लिया था बाहर से, तो मैंने सोचा यही खाते हैं। तो यार मैं अभी ये खाना खाने लगा हूँ, तो आज के इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, और दुआओं में याद रखना अपने भाई को, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।